हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीएसएस ग्रेडियंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम दो या तीन जितने भी कलर्स हैं उन सबको मिक्सअप करके एक जो है बैकग्राउंड कलर की जो लेयर है वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी अभी जो मैंने ट्रांजिशन की वीडियो अपलोड की है मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ जाके। तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट की वीडियो है, ये मैंने रिस्पॉन्सिव नेबर बनाए थे, टेक्स्ट टाइपिंग कैसे चलता है वो मैंने दिखाया था, तो और एक सीएसएस ग्रेडियंट। ये तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, प्लीज आप इनको जरूर जरूर देखना और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आपको यहां जाके अपनी एक फाइल क्रिएट करनी है यहां पे क्लिक करके। तो मैं फाइल अपनी क्रिएट करती हूं किस नेम से, मैं करती हूं यहां पे ग्रेडियंट नेम से। ठीक है, ग्रेडियंट डॉट एच टी एम एल नेम से मैं इसको सेव करती हूं। अब जो सीएसएस के जो ग्रेडियंट होते हैं, ठीक है, अब ग्रेडियंट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, ये क्या करता है, स्मूथ ट्रांजिशन देता है बिटवीन टू और मोर स्पेसिफाइड कलर्स के बीच में। और बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, लाइक तो लीनियर ग्रेडियंट होता है, एक रेडियल होता है, एक कॉनिक होता है। ठीक है, तो अब इन तीनों में फर्क क्या होता है वो मैं आपको दिखा, मैं फर्स्टली आपको गूगल पे दिखा देती हूँ ताकि चीजें अगर आप ज्यादा टाइम तक देखोगे ना तो ज्यादा टाइम तक वो आपको याद रहेंगी। तो मैं यहाँ पे सीएसएस ग्रेडियंट डाल देती हूँ, देखो ये आ गया सीएसएस ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखो यहाँ जो जाके हम देखते हैं सीएसएस ग्रेडियंट के बारे में, देखो इस तरीके के जो कलर्स है वो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सीएसएस ग्रेडियंट बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, एक तो लीनियर होता है आपका, एक रेडियल है, एक कॉनिक है। लीनियर का मतलब होता है यानी कि अप जो है अप डाउन लेफ्ट राइट और डायगनली उसको हम कलर दे सकते हैं। रेडियल का मतलब होता है सेंटर से स्टार्ट होगा और आउटर तक जाएगा, एंड कॉनिक का मतलब होता है रोटेट करेगा वो सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, कुछ इस टाइप के जो ग्रेडियंट आप बना सकते हो, सारे के सारे मैं आपको बना के दिखाऊंगी कितने बहुत ही ईजी वे में आप इसको बना सकते हो। आप इसको डिग्री यूज करके भी बना सकते हो, ऐसे रेनबो भी आप बना सकते हो, ऐसे ट्रांसपेरेंसी आप दे सकते हो, ऐसे ऐसे आप लाइन टू लाइन दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारा अब हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको फर्स्टली करना क्या है, अपनी बॉयलर प्लेट आपको यहां ले लेनी है। तो मैं शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करती हूँ, ये बॉयलर प्लेट आपके सामने आ जाएगी। फिर टाइटल का जो नेम है मैं वो चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे ग्रेडियंट जो नेम है ग्रेडियंट इन सीएसएस में इसको दे देती हूँ। फिर बॉडी में आपको आना है, यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगी, अपनी एक डिव बनाऊंगी। ठीक है, एक डिव बनाऊंगी, उस डिव के ऊपर ही मुझे जो करना है वो सब कुछ इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। तो मैं इस डिव के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगी, तो मैं इंटरनल सीएसएस का यूज करूंगी। तो यहां क्या करूंगी, स्टाइल टैग लगाऊंगी। यहां स्टाइल टैग लगाने के बाद यहां मैं क्या करूंगी, इस डिव को टारगेट करूंगी। तो इस डिव को मैं टारगेट करती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको टारगेट कर लिया, अब मैं जो भी कुछ इंप्लीमेंट करूंगी वो इस पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो मैं करती क्या हूँ, यहाँ से इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेती हूँ, यानी क्या कुछ हम इसमें इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो सारा का सारा आपको नजर आए। ठीक है, और साइड बाय साइड मैं इसको एडजस्ट कर लूंगी ताकि इनपुट और आउटपुट दोनों के दोनों आप रिजल्ट अच्छे से इसमें देख पाओ। तो ये ओपन हो जाता है, अभी हमने बेसिकली कुछ लिया नहीं है इसलिए जो अभी आपको ब्लैंक दिखाई देगा, और इसका नाम चेंज हो गया ग्रेडियंट इन सीएसएस, इसको अरेंज कर लेते हैं और साथ ही साथ हम इसको भी सेटअप कर लेते हैं। अब देखना जो भी कुछ चेंजमेंट होगा वो आप जो है यहां देखते जाना। ठीक है, मैं इसको अच्छे से अरेंज करूंगा। अब डिव के ऊपर आपको टारगेट करना है, जस्ट वेट मैं इसको अच्छे से कर लूँ। हाँ ठीक है, डिव को टारगेट करना, फर्स्टली मैं इसकी हाइट एंड विड्थ दूंगी। तो मैं क्या देती हूँ, इसकी हाइट देती हूँ, मैं इसको हाइट देती हूँ कितना, मैं ऐसे 200 पिक्सल जो है इसको हाइट देती हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको एक बार बैकग्राउंड कलर मैं आपको देके दिखाती हूँ कितनी जो मैंने हाइट लिया वो कहाँ तक का बैकग्राउंड कलर आएगा। ठीक है, मैंने 200 पिक्सल हाइट लिया है तो 200 पिक्सल इतना है तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आएगा। ठीक है, ये साइड से स्पेस आ रहा है, इसको आप यहाँ से जाके यहाँ पे जाके यूनिवर्सल सिलेक्टर को सिलेक्ट करके यानी स्टार लगा के यहाँ से आप मार्जिन जीरो कर लेना। ठीक है, ताकि जो अननेसेसरी स्पेस है वो वहाँ से रिमूव हो जाए, देखो अननेसेसरी स्पेस वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब बैकग्राउंड कलर आ गया रेड। ठीक है, अब करना क्या है, मुझे ग्रेडियंट देना है, मैं चाहती हूँ कि दो या तीन कलर को मिक्सअप करके मैं इसे बना पाऊँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ बैकग्राउंड इमेज आपको लिखना है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज के बाद आपको यहाँ क्या लिखना है, लीनियर ग्रेडियंट। देखो ये आ गया ना नीचे लीनियर ग्रेडियंट, इसको आप सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ प्रॉपर्टी डाल दो, कैसा कैसा कलर चाहिए मुझे, एक तो रेड चाहिए और साथ ही साथ मेरे को एक येलो कलर भी चाहिए। तो रेड एंड येलो दोनों के दोनों कलर हैं, देखो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाए। मैंने दो कलर लिए हैं रेड एंड येलो, तो वो ऐसे इस पर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। मैं इसको यहाँ से वर्ड रैप कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि जो कंटेंट है वो ऐसे ना जाए, आपको विजिबल हो। अब ठीक है, आपको दिखाई दे दिया कि इस तरीके से कलर, मैं इसका जो हाइट है यहाँ से मैं कितनी लेना चाहूंगी, मैं यहाँ से कर देती हूँ इसको 600 पिक्सल, 600 पिक्सल में इसकी हाइट कर देती हूँ इतने कुछ। ठीक है, 600 700 कर, ताकि पूरा पेज जो है कवर करे, कुछ इस टाइप से अभी आपको ये नजर आएगा। अब इससे आगे है, अगर ये तो आपका होगा टॉप टू बॉटम, यानी टॉप में पहले रेड है या फिर येलो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि राइट टू लेफ्ट जाए वो। ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ऐसे, तो कैसे इसको डायरेक्शन हमें देनी पड़ेगी। तो फर्स्टली हम डायरेक्शन देते हैं, यहाँ मैं लिखती हूँ क्या टू राइट और फिर मैं लगा देती हूँ कोमा, यानी टू राइट, राइट की तरफ से क्या हो जाए आपका, पहले यहाँ पे रेड हो और देन येलो हो। तो ऐसे आप इसमें डायरेक्शन भी लगा सकते हो, अगर आप बॉटम की तरफ आपको लेके जाना है तो यहाँ पे राइट को हटा के
यहाँ आप लिख दो बॉटम, तो बॉटम की तरफ ले जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से यहाँ से रेड आ जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, बॉटम की तरफ आ जाएगा आपका क्या, येलो आ जाएगा। अगर आपको बॉटम में भी राइट साइड चाहिए तो टू बॉटम राइट आप यहाँ लिख दो, तो बॉटम से वो राइट तरफ ले जाएगा। देखो यहाँ इस बॉटम में लेकिन राइट साइड ज्यादा है येलो पार्ट। ठीक है, ऐसे आप जो है इसके कलर आप डिसाइड कर सकते हो। आपको ऐसे नहीं देना, आपको एंगल में देना है, डिग्री में देना है, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। यहाँ से मैं इसको रिमूव करती हूँ टू बॉटम राइट को, और मैं यहाँ कितना लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ 180 डिग्री, बस इतना लिख दो। ठीक है, तो वो 180 डिग्री के हिसाब से क्या करेगा, ऐसे हाफ ऑफ कर लेगा। आप इसको 90 डिग्री कर लो, जितना भी आपको करना है अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो। 90 डिग्री में ऐसे हाफ ऑफ हो जाएगा, देखो ऐसे 90 डिग्री में ऐसे हाफ हो जाएगा वर्टिकली, और हॉरिजेंटली हो जाएगा आपका 180 डिग्री में, हॉरिजेंटली हाफ ऑफ हो जाएगा। अब आपको तीन कलर इसमें मिक्स करने हैं, तो यहाँ येलो के बाद मैं करना चाहूंगी क्या, मैं जो ग्रीन कलर है उसको रखना चाहूंगी, तो ग्रीन कलर यहाँ पे आ जाएगा ना। तीन कलर आ गए ना आपके, मैंने कहा रखा 90 डिग्री, तो बीच से ऐसे आ रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से 180 डिग्री कर देती हूँ तो ये आपके हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके आ जाएंगे। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप इसमें बना सकते हो। इस तरीके से आप अपना रेनबो बनाना चाहो तो रेनबो भी बना सकते हो, वही विबग्योर के जो कलर है, यहाँ साथ के साथ कलर डाल दो तो आपका रेनबो बन जाएगा। अब आता है इसके अंदर ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी, अगर आपको ऐड करनी है तो उसके लिए हमें आरजीबी वैल्यू उठानी होगी। लाइक मैं जैसे ये वैल्यू उठा लेती हूँ, यहाँ पे साइड में आपको ए और लगाना होगा, ये होता है अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू आपको पता है 0 से 1 के बीच में होते, तो मैं अगर यहाँ 0 रख दूँ, 0 रख दूंगी तो वो कुछ इस टाइप का कलर हो जाएगा, है ना। अगर जैसे मैं इसको इसकी भी आरजीबी की वैल्यू उठा लेती हूँ, जैसे मैं ये वाला कलर उठा लेती हूँ, आरजीबी की वैल्यू है कि यहाँ मैं उसको क्या करती हूँ, ए लिख देती हूँ। यहाँ जो ओपेसिटी की वैल्यू है उसको कितना कर देती हूँ मैं, यहाँ जाके उसको 1 कर देती हूँ। आपको होता है ना 0 से 1 के बीच में, तो कुछ इस टाइप से आप जो अपने कलर है मिक्स मैच जो कलर है वो आप यहाँ से बना सकते हो। अब बात आते हैं कौन सा कलर आपको कितना रिपीट करना है, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी है, तो मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ फटाफट। मैं बेसिक ही कलर रखना चाहूंगी, रेड येलो ग्रे। अब बात आती है कितना, किस कलर को आपको कितना परसेंटेज देना, कौन सा कलर ज्यादा दिखाना है, कौन सा कलर आपको कम दिखाना, तो उसके लिए आप परसेंटेज दे सकते हो। जैसे कि येलो मुझे कितना चाहिए, येलो मुझे सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए, 20% ही चाहिए, तो आप यहाँ पे 20% डाल दो, येलो जो है आपको 20% दिखाई देगा। ग्रीन कितना चाहिए, मैं ग्रीन चाहती हूँ मुझे कम से कम जो 40% है मुझे वो ग्रीन दिखाई दे, तो 40% का जो पार्ट है वो ग्रीन ले लेगा। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप अपने कलर इसके अंदर, 60 ये हो गए, और मैं सोचाती हूँ कम से कम जो है 50 कंट्रोल कर देती हूँ, कम से कम मैं चाहूंगी यहाँ पे कितना 10% जो है रेड कलर दिखाई दे, 10% आपको रेड कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने जो कलर्स हैं सेट कर सकते हो। तो ये था बेसिक आपका लीनियर ग्रेडियंट का, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट का था। अब हम पढ़ते हैं रेडियल ग्रेडियंट। तो रेडियल ग्रेडियंट आपको पता है सेंटर से जाता है आपका। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, अब तक हमने जो पढ़ा है ना, यहाँ पे ऊपर चलते हैं हम लोग, तीन तरह के थे ना, उसमें हमने जो ये पार्ट है ना, कौन सा आपका लीनियर ग्रेडियंट का, जो आपका टॉप से बॉटम है, लेफ्ट टू राइट, ये हमने सारा पढ़ लिया है। अब हम रेडियल ग्रेडियंट को पढ़ने वाले हैं जो सेंटर के तरफ से जाएगा। अब रेडियल ग्रेडियंट को हम पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से क्या करती हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। आपको सिंपली क्या लिखना है, ऐसे ही आपको बैकग्राउंड इमेज लिखना है, लेकिन आपको इस बार लीनियर की जगह आपको रेडियल लिखना होगा, आ गया ना ऊपर रेडियल ग्रेडियंट। अब रेडियल ग्रेडियंट में आपको कैसे कैसे कलर देने, तो रेड देना है, फिर मुझे ग्रीन देना है, एंड देन मुझे येलो देना है। तो देखिएगा कुछ इस टाइप का जो है आपको नजर आएगा। देखो इसमें क्या होता है, रेडियल में क्या होता है, रेडियस की तरह, देखो इस तरीके से सर्कल, फिर बाहर सर्कल, फिर उसका आउटर सर्कल, ऐसे जो है सर्कल आपको नजर आएंगे, तो इसे हम कहते हैं रेडियल ग्रेडियंट। अब किसकी कितनी परसेंटेज देनी है, मैं चाहती हूँ रेड कम से कम कितना 30% जो है रेड कलर ले ले, जो 30% रेड कलर ले लेगा। फिर मैं चाहती हूँ ग्रीन, तो बस 10% रहे, ज्यादा हो गया ये, मैं चाहती हूँ ग्रीन 10% रहे, तो ग्रीन जो है 10% आ जाएगा, देखो रेड कितना दिखने लगे, है ना। फिर मैं चाहती हूँ येलो कितना आ जाए, येलो कम से कम कितना आ जाए, 40% है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना ये इसको बना सकते हो, येलो 40% ले लेगा। ऐसे आप जिस भी तरह का आप डिजाइन चाहते हो वैसे आप डिजाइन इसके अंदर बना सकते हो। अब रेडियल ग्रेडियंट के अंदर आपने कलर दे लिया, यहाँ पे आपको कैसी शेप चाहिए वो शेप भी आप यहाँ मेंशन करते हो, यहाँ जाके रेड से यहाँ के आप शेप जो है अपनी मेंशन कर सकते हो। मैं कर देती हूँ यहाँ पे कितना मुझे चाहिए, यहाँ पे कैसे चाहिए मुझे, सर्कल चाहिए, तो यहाँ पे सर्कल CIR CIR CLE, और उसके बाद मैं दे दूंगी उसको कोमा, तो मुझे कैसा चाहिए, सर्कल चाहिए, तो इस तरीके से वो सर्कल इस टाइप से ले लेगा, बिल्कुल प्योर सर्कल ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके सर्कल चाहिए आपको, कैसा भी आपको चाहिए वैसा आप इसमें दे सकते हो। तो रेडियल इसी तरीके से होता है, आपको जैसा भी डिजाइन इसके अंदर बनाना है वैसा बना सकते हो। अगर आप चाहते हो बार बार ये चीज रिपीट करें, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट, तो आपको इसको क्या लिखोगे, यहाँ सर्कल को मैं हटा देती हूँ, यहाँ से आप लिखोगे क्या, यहाँ से आप लिखोगे रिपीटिंग REPEATING रिपीटिंग, और डैश लगा के क्या करोगे आप, यहाँ कर दोगे रेडियल, और फिर डैश लगा के कर दोगे क्या आप ग्रेडियंट। आई थिंक ये विजिबल होगा, है ना, रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। क्यों नहीं चल रहा आपका, कहाँ गए आपके सारे के सारे कलर, जस्ट वेट, मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट ये आपका जो है ना, ये यहाँ आएगा,
मैंने गलत कर दिया इसको, मैं सबको यहाँ से रिमूव कर, रेडियल ग्रेडियंट की जगह आएगा यहाँ पे, आपके क्या आएंगे यहाँ पे आपका जो ब्रैकेट था ना ये वाला ओपन हो जाएगा। देखो अब आपको आई थिंक दिखाई देगा वो, देखो इस तरीके से जो है आपका आ जाएगा। अब इसमें कैसे कैसे कलर रखने हैं, अगर मैं इन सबको कलर को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो देखते हैं वो किस तरीके से जो है आपको, देखो इस तरीके से सारे के सारे डिजाइन जो है आपको नजर आएगा, ऐसा आप बना सकते हो। ठीक है, अच्छा 30% रिमूव, मैं भी सोचू बन क्यों नहीं रहा है ना, 30% पे मेरा ध्यान नहीं था। अब देखो कुछ इस तरीके से जो है आपको ये नजर आएगा। तो ऐसे आप जैसे रिपीटिंग बार बार उसको रिपीट करना है, कितना कितना रिपीट करना है, मैं चाहती हूँ कम से कम ग्रीन का तो करे कितना वो 10% रिपीट करें, तो 10% इस तरीके से ग्रीन का करेगा। येलो का चाहते हो आप कितना 15% करें तो 15% इसका करेगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से जो है ये करेगा। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, सर्कल के अंदर जो सर्कल होते हैं बहुत ही इजी वे में आप उसको बना सकते हो। अब इससे आगे ये रेडियल आपका कंप्लीट होता है पार्ट, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको प्रॉपर्टी चेंज करनी होती है। अब इससे आगे आता है कोनिक CSS कॉनिक ग्रेडियंट, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना था, सिंपल ऐसे ही आपको बैकग्राउंड इमेज लेना होता है। अब उसके अंदर आपको लिखना होता है क्या, बस आगे की प्रॉपर्टी चेंज होती है, कॉनिक डैश ग्रेडियंट आपको लिखना होता है, कॉनिक डैश ग्रेडियंट। ठीक है, GRADIENT कॉनिक डैश ग्रेडियंट आपको इसके अंदर लिखना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कलर डाल दो, कैसे कैसे कलर चाहिए मुझे, चाहिए क्या चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए और साथ ही साथ मुझे येलो भी चाहिए। तो इसमें देखना किस तरीके का जो है कलर, देखो इस टाइप का CSS कॉनिक का मतलब होता है कुछ इस टाइप से वो बनाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट इसने क्या लिया, इतना पार्ट रेड ले लिया है, ठीक है, नीचे वाला ग्रीन ले लिया, ये भी आपका किस तरीके से क्लॉकवाइज चल रहा है, पहले रेड ग्रीन एंड फिर येलो, इस तरह से आप कॉनिक जो पार्ट है अपने बना सकते हो। और भी बहुत सारे कलर्स इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, येलो के बाद आप कर लो इसमें व्हाइट पार्ट ऐड कर लो, फिर उसके अंदर आप ब्लू पार्ट ऐड कर लो, फिर आप ब्लैक पार्ट ऐड कर लो। देखो कुछ इस टाइप से जो है आपको नजर आएगा, देखो कुछ इस तरह का जो है शेप आप इसके अंदर, ये कॉनिक ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अब कौन कौन सा कितनी डिग्री पे चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हो, जैसे ब्लैक वाला मुझे कितना चाहिए, ब्लैक वाला मुझे चाहिए 90 डिग्री पे चाहिए, तो ब्लैक वाला मुझे आई थिंक स्पेस देना होगा, ब्लैक वाला जो है मुझे 90 डिग्री पे चाहिए। ठीक है, देखो 90 डिग्री पे आ गया, मैं चाहती हूँ ब्लू वाला पार्ट मुझे कितने डिग्री पे चाहिए, मुझे चाहिए 30 डिग्री पे चाहिए, तो ऐसे आप डिग्री भी सेट कर सकते हो इनकी। ठीक है, 90 आई थिंक ज़्यादा नहीं हो गया, गंदा लग रहा है ना 30 डिग्री कर देते, तो कुछ इस टाइप से आप अपने डिज़ाइन जो है बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप करके मैं नो कंट्रोल जेड कर देती हूँ, मुझे पहला वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो फिर आपको समझाने के लिए मैंने डिग्रीज में यूज़ कर, देखो कितना प्यारा लग रहा है ये, है ना। ऐसे आप कॉनिक बना सकते हो, ऐसे आप इनकी बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो ताकि वो इसमें अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे यहाँ जाके, ताकि एक सर्कल का रूप ले ले, तो बॉर्डर रेडियस आप उसको कितना दोगे, बॉर्डर रेडियस आपको 50% दे दो, तो कुछ सर्कल की तरह देखो इस तरह के सर्कल वो बना लेगा। ठीक है, तो ऐसे आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हो। अब आपने जैसे देखा होगा ना, आपने चार्ट ऐसे देखा होगा, एक सर्कल है, सर्कल में से चार बॉक्स बना रखे हैं, उस चार बॉक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, तो वो भी आप दे सकते हो किसी को, इसमें 90 डिग्री दे दिया, किसी को 180 दे दिया, तो ऐसे करके क्या कर सकते हो आप इसमें बना सकते हो। अब इसमें आप एंगल भी डाल सकते हो, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब करना क्या है, इसे कॉनिक ग्रेडियंट यहाँ जाके आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे करना है फ्रॉम कितना, मुझे करना है फ्रॉम 90 डिग्री, स्पेस दे देती हूँ यहाँ पे, फ्रॉम 90 डिग्री से ऐसा स्टार्ट हो। ठीक है, फ्रॉम 90 डिग्री के बाद आई थिंक कोमा आएगा, फ्रॉम मैंने कोमा नहीं लगाया था, फ्रॉम 90 डिग्री, देखो कुछ इस टाइप से आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक जैसे हम सर्कल बनाते हैं ना, ऐसे हम बनाते थे यहाँ से लाइन खींच के रेडियस लगा के, फिर हम उस तरीके सर्कल, ये वाइट आई थिंक कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या लेती हूँ, मैं लेती हूँ ऑरेंज कलर, लेती हूँ थोड़ा विजिबल हो आपको। ठीक है, तो कितना प्यारा लग रहा है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो अपने बना सकते हो। अब इसके अंदर स्पेसिफाई आप ये भी दे सकते हो कितने परसेंट पे कितना आपको चाहिए, जैसे मैं आपको देके दिखाती हूँ इस पूरे को, मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, फिर मैं आपको एक जो दूसरा है वो बना के दिखाती हूँ। तो उसके लिए भी सिंपली आपको क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज लेना है, तो बैकग्राउंड इमेज मैं ले लेती हूँ। अब वैसे ही उसमें क्या करना है आपको, कॉनिक जो ग्रेडियंट है, पता नहीं क्यों सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा कॉनिक ग्रेडियंट, GRADIENT, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कॉनिक ग्रेडियंट। अब करना क्या है आपको, किस पार्ट से स्टार्ट करना, मुझे GRADIENT, ठीक है, मुझे स्टार्ट करना कितना, मुझे 60% से उसको स्टार्ट करना, तो 60% से कहाँ आपको 45% तक उसको जाना है, और कैसा कैसा कलर मुझे देना है, इसमें देना है मुझे रेड देना है, देन येलो देना है मुझे, देन ग्रीन देना है, तो ऐसा क्या कर सकते हो, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आई थिंक ये स्पेलिंग कुछ इस तरीके से क्यों दिखाई दे रही है, ये कॉनिक ग्रेडियंट, हाँ अब बन गया, अब उसको थोड़ा स्पेस साइज हो जाता है, कोई कुछ इस टाइप से आप इसको बना दे, यानी 60%, देखो मैं 90 लेती तो कुछ यहाँ इसका सर्कल यानी पॉइंट जो है वो सेंटर यहाँ होता, मैं 60 पे लेता तो जो इसका सेंटर है ना वो 60% से हो जाता, 60% से 45 से ऐसे चलेगा। ठीक है, तो सब जिस पॉइंट पर अपना इसका बनाना चाहते हो ना सर्कल, आप सेंटर वो भी आप यहाँ बना सकते हो। अब इसके आगे अगर मैं यहाँ से रिपीटिंग लगा दूँ, इसके कॉनिक के आगे REPEATING रिपीटिंग डैश लगा दूँ, तो उसको बार बार क्या करेगा, वो रिपीट करेगा उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट, अब कितना कितना इसको रिपीट करना है वो भी तो आपको मेंशन करना होगा ना, मुझे येलो कितना करना है, मुझे 10% करना है येलो। ठीक है, ग्रीन आपको कितना है, 10% ये हो जाएगा,
मुझे ग्रीन कितना करना है, मुझे ग्रीन जो है 30% रिपीट करना है। जैसे तो रिपीटेशन की प्रॉपर्टी डालकर भी कुछ इस टाइप से करें। अभी मैंने जो सेंटर यहाँ 60 बना रखा ना, आप 95 बना लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप से आप डिफरेंट टाइप के कलर दे सकते हो। मैं इसमें और कलर भी ऐड कर सकती हूँ, मैं इसमें ब्लू कलर भी ऐड कर सकती हूँ। ब्लू में करना चाहूँगी कितना, 10% करना चाहूँगी। तो इस तरीके से आपको वो दिखाई देगा, बस कुछ ही सेकंड लेता है रिफ्रेश होने के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको ही नजर आएगा। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको जो समझ में आ गई। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है लीनियर ग्रेडियंट के बारे में, रेडियल के बारे में, कॉनिक ग्रेडियंट के बारे में। अभी तो सारा मैंने खुद से बना के दिखा। अगर आप ऐसे खुद से नहीं बना चाहते, आप जनरेटर का यूज करना चाहते हो, तो करना क्या है आपको, यहां लिखना है सिंपली जो मैं बेसिकली मैं भी यूज करती हूँ उसको, CSS ग्रेडियंट जनरेटर। मैं क्या करती हूँ, इसी को यूज करती हूँ। यहाँ पे जाके अपने जो है कलर को मैं चूज करूंगी, फिर उन कलर को चूज करके मैं यहाँ से डिसाइड करके देखूंगी कौन सा कैसा लगता है। फिर जनरेटर कुछ इस टाइप का आएगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दें। यहाँ से आप अपने कलर सेलेक्ट करो। मैंने एक तो ये कलर सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने एक ये कर लिया, फिर मैंने एक ये कर लिया। जितने भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट करो, फिर आप इनको यहाँ से मूव करो। देखो जिसने जितना भी पार्ट आपको चाहिए, जैसे आपको ये वाला पार्ट चाहिए, फिर यहाँ जाओ आप वापस में, थोड़ा आपको ये वाला पार्ट चाहिए, जितना परसेंट जिसका आप डालना चाहते हो वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। इतना चाहिए आपको इस पार्ट को, थोड़ा इस तरफ से यहाँ यहाँ पे लेके आना चाहते हो, इसको थोड़ा यहाँ पे। अब ये कर लिया इतना आपने, अब इसको यूज कर कैसे करना वो देखो। कलर आपने सेट कर लिया कि मैं चाहती हूँ मेरे वाले में थोड़ा ब्लू ज़्यादा नहीं हो गया इसका, हाँ इतना ठीक लग रहा है। देखो इस तरीके से आपने ग्रेडियंट बना लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जैसे नीचे आओगे तो ये आपको दिखाई दे देगा। सिंपली कुछ भी नहीं करना, कॉपी टू क्लिप बोर्ड कर दो या फिर इसको सेलेक्ट कर ले, कॉपी करो। मैं कॉपी कर दिया इसको। अब यूज कैसे करना है, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड इमेज था ना, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, वो पेस्ट कर देती हूँ मैं यहाँ पे। सिंपली मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया मैं, क्योंकि दो बैकग्राउंड कलर हो गए ना, इसको यहाँ से हटा देती हूँ। सिंपल मैंने पेस्ट किया है और जाके देखते हैं। देखो सेम इस तरीके से आपका जो है सर्कल के अंदर आ जाएगा। सर्कल नहीं चाहिए तो इसको सर्कल को भी हटा दो, तो पूरे पेज को वो इस तरीके से इसमें कवर कर लेगा। ये ऐसे बन गया। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आप बना सकते हो। देखो इस टाइप का आप ले सकते हो जो हॉरिजॉन्टली आपको दिखाई दे। अगर आपको सर्कल वाला लेना है तो आप इस पे क्लिक कर दो, देखो सर्कल वाली प्रॉपर्टी आ जाए, ये जो इंप्लीमेंट होगा ना वो सर्कल बन जाएगा। मैं दोबारा से इसको यहां से कॉपी करके दिखाती हूँ। कॉपी करना है आपको, अपने कॉर्ड में जाना है और जो कंटेंट मैंने इतना लिखा था ना, इसको मैं यहां से हटा करके इसी के ऊपर मैं पेस्ट कर देती हूँ। फिर मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ, कुछ इस टाइप से आपको आउटपुट आ जाएगा। जैसा भी आपको बैकग्राउंड कलर यूज करना है वैसा आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट के जनरेटर पर जाकर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज है, जिस भी टाइप की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करो, कॉपी करो एंड देन यूज। सिंपल, कितना सिंपल है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। जैसे टेक्स्ट करना है आपको लीनियर, यहाँ पे इन सब पे जाके जो प्रॉपर्टीज है, देखो रेडियंट चाहिए, ये सारा का सारा मैंने आपको सिखा दिया। देखो पता है आपको क्या बात है, अब बेसिक हमें आना चाहिए, हमें थ्योरी पार्ट आना चाहिए, फिर चाहे हम कहीं से भी कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट करने के लिए भी तो उस चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना। अब CSS ग्रेडियंट का हमने एक सेकंड के अंदर कॉपी कर लिया, बट उसका पार्ट भी तो पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ें क्या है, या फिर थोड़ा बहुत चेंज अगर हम खुद का चाहें तो हम कन्फ्यूज ही नहीं हो जाएंगे कि अरे हमें तो ऐसी चीज़ है ये आ नहीं रहा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत जो है बेसिक भी पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बेसिक पार्ट भी पढ़ा दिया, थ्योरी भी पढ़ा दिया मैंने आपको, अब प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया, और साथ ही साथ मैंने क्या है आपका जनरेटर के हेल्प से मैं इसको जनरेट करके भी दिखा दे। तो वीडियो कैसे लगे प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोड विद विंदा चैनल को सब्सक्राइब करना, इस तरीके से जो मैं प्लेलिस्ट में बना रही हूँ आपके सामने HTML सेंसेंस की, डे बाय डे जो मैं इसमें वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, CSS की मैंने 21 वीडियो अपलोड कर दी, HTML की 13 को मैं कंप्लीट करूंगी अभी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। MS Word का पार्ट थोड़ा सा रहता है, वो मैं कंप्लीट करूंगी। तो यानी इसी तरीके से आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप, और वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप कमेंट का वेट करती हूँ, तो प्लीज आप कमेंट जरूर डालना, ठीक है। अगर कोई अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो प्लीज वो भी कमेंट में डाल देना, ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं कवर अप कर लूं। थैंक यू ऑल, दैट्स फॉर इट टुडे।